वीर गाथा में आज बात महान क्रांतिकारी कल्पना दत्त की। कल्पना दत्त देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। कल्पना दत्त का जन्म चटगांव के श्रीपुर गांव में यानी बांग्लादेश में 27 जुलाई 1913 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल से नाता जोड़ लिया था। 1933 में कल्पना दत्त गिरफ्तार कर ली गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयत्नों से वो जेल से बाहर आ पाई थी। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह वेश बदल कर क्रांतिकारियों को गोला बारूद आदि पहुँचाया करती थी। इस बीच उन्होंने निशान लगाने का भी अभ्यास किया। उन्होंने पूरे समर्पण के साथ भारत की आजादी के लिए प्रयत्न किए और 8 फरवरी 1995 को दुनिया से अलविदा कह गई। भारत की ऐसी वीर महिला को हमारा शत शत नमन।